नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मैं माहौल जानने निकला हूं चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में और मिल गए हैं बिहार मैत्री संघ के अध्यक्ष और पूर्वांचल मोर्चा में भी उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष आज ये सत्तू पिलार हैं। देख रहे हैं बिहार मैत्री संघ और सत्तू का संबंध, बिहार और सत्तू का संबंध एक अलग ही है और इनसे हम आज चर्चा करेंगे आज बहुत सी बातों पर। कैसे हैं प्रदीप भैया जी? जनमत के पुकार को मैं और आपकी पत्रकारिता को, आर के जायसवाल जी का आप यहाँ आए आपका अभिनंदन और नंदन करता हूँ। आज आपकी पार्टी पर्ची बांट रही है हर बूथ पे जाकर, आप भी तैयारी कर रहे हैं? हमारे ये राष्ट्रीय कार्यक्रम और पूरा अध्यक्ष से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके नीचे बूथ के मैनेजमेंट तक आज पर्ची बांटो अभियान है ताकि मतदाताओं को कोई कष्ट न हो और इस दोपहर में उनको खड़ी पर्ची के लिए न रहना पड़े, ये सोच के भाजपा ने जो है घर घर पर्ची बांटने का काम किया है। और अभी थोड़ी देर पहले सुबह 7 बजे से हम लोग बांटने निकले थे और अभी अशोक जी बैठे हैं हमारे बीच में, ये हमारे बूथ के पालक हैं और मैं संयोजक हूँ और बाकी साथी हमारे जो है अभी नाश्ता करने खाना खाने गए हैं और अभी फिर हम लोग आज शाम तक इस वार्ड का 45 और 44 दोनों का पर्ची पूरा घर घर जाके दे देने का काम करेंगे। कैसे कैंडिडेट हैं प्रवीण खंडेलवाल जी? कहते हैं कि नए उम्मीदवार हैं, नया कैंडिडेट है, उनके सामने बहुत बड़ा चेहरा है जेपी अग्रवाल जी, जो 5 बार सांसद रहे, 3 बार तो चांदनी चौक से ही रहे हैं जेपी अग्रवाल जी, बहुत बड़े चेहरा है। हर जगह पूरे देश में जो है चुनाव हो रहे हैं, हर आदमी चुनाव लड़ रहा है, इंडिया गठबंधन हर जगह लड़ रहा है और जनता सबको बता रही है मोदी जी की गारंटी के सामने इंडिया गठबंधन कहीं नहीं टिक रहा है। और मोदी जी का जो है नारा 400 पार तो इस बार होने जा रहा है। नारा तो मोदी जी ने अब 400 पार लगाना छोड़ दिया है, अब कार्यकर्ता लोग लगा रहे हैं, जो बड़े नेता है वो लोग लगाना छोड़ दिया। आप टीवी खोली कर रात ही मैंने देखा है और ज़्यादा दिन नहीं है, 4 जून जो है आने वाला है, उस दिन इतने उतावला क्यों होता है इंडिया गठबंधन, उस दिन देख लेगा रिजल्ट। नहीं, अरविंद केजरीवाल जब आते हैं जेल से तो आते ही सबसे पहले हनुमान मंदिर में जाते हैं, पूजा अर्चना करने जाते हैं, माथा टेकने जाते हैं, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री पर कि जिस आदमी ने मोहल्ला क्लिनिक बनाया वो आदमी इंसुलिन के लिए तरस रहा था जेल में। आपने देखा होगा कि वो जेल से छूटने के बाद वो अपने घर गए हैं, न कि हनुमान मंदिर गए, दूसरे दिन हनुमान मंदिर गए, ये कोरा झूठ है वो जो बोल रहे हैं। और नंबर वन कि आज जब उनके कैंडिडेट या कोई भी हमारे तो सब राम मंदिर अयोध्या भी गए और बगल में पूजा अर्चना करने के बाद ही नॉमिनेशन भरने के लिए गए, उनका कहाँ कुछ दिखता है। और हम लोग सनातन धर्म को मानने वाला भारतीय जनता पार्टी है, हम लोग सनातन की रक्षा के लिए हैं और धर्म के लिए ये हैं और राम जन्मभूमि राम जी का ये बना और उसके बाद जो है लोग पूछते थे कि राम मंदिर का तारीख कब बताओगे, तो ये इनका बंद हो गया जुमला। और ये लोग हमेशा जो कुछ इस तरह से बात करते हैं जैसे पाकिस्तान से प्रचार कराएंगे, जिहाद वोट करेंगे, तो देश जो है प्रेम से चलता है, देश जो है भाईचारा का है, भारत एक बगीचा है, भारत एक परिवार है जिसको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी समझते हैं। और मोदी जी जो हैं इस देश के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, ओबीसी के लिए, हर समाज को साथ लेके चलने वाले। कांग्रेस तो जेपी अग्रवाल तो कहते हैं कि महंगाई पर उन्होंने क्या किया, बेरोजगारी दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया, महंगाई तो आसमान बढ़ती जा रही है, जेपी अग्रवाल लगातार अपने चुनाव में मुद्दा बनाए हुए। आप कह रहे महंगाई पे, आज 400 का सिलेंडर आज 1200 का हो गया। सिलेंडर पीने का चीज़ नहीं ना है, खाने का चीज़ नहीं ना है,
सिलेंडर जो है एक महीना में एक परिवार में, मेरे परिवार में एक महीना में एक सिलेंडर जलता, मान लीजिए 800 रुपया मेरे को ज़्यादा लगा, लेकिन बाकी जो सड़क पर सुविधाएं मिल रही है, बिजली मिल रही है, पानी मिल रही है, भारत के 80 करोड़ जनता को राशन मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, तो अगर वो कह रहे हैं कि 5 किलो फ्री में नहीं चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए, तो कन्हैया कुमार लगातार जो चुनाव लड़ रहे हैं मनोज तिवारी के सामने, वो चीख चीख के कह रहे हैं कि हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमें रोजगार दो। कन्हैया कुमार को जानते हैं ना? नाम सुने हैं आपके माध्यम से। जो कन्हैया कुमार बोलते हैं कि मैं टैक्स पेयर के पैसे से, मैंने पढ़ा है, एकदम ठीक बोलते हैं, लेकिन उस टैक्स पेयर के पैसे से पढ़कर वो जो बोलते हैं रोजगार, सरकारी नौकरियां के अलावे भी बहुत नौकरियां हैं, और आज के युवा सरकारी नौकरी में नहीं जा रहे हैं, आईटी में 1.5 लाख 2 लाख रुपया महीना, 2.5 लाख रुपया महीना मिल रहा है, और आज सरकारी नौकरी में 30,000-35,000 में, जिनके अंदर टैलेंट है वो सरकारी नौकरी में नहीं जाते हैं, और ये लोग उन लोगों को बलगड़ाना चाहते हैं, उनको शिक्षा के ऊपर नहीं बात करेंगे। मोदी जी ने शिक्षा के इतना कॉलेज खोले, इतने हॉस्पिटल खोले, इतना आज भारत को रक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बनाया, जो आँख दिखाता था उसके घर में घुस के मारने का काम किया, तो ये इनको नज़र नहीं आता है, और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर में लोग अपने से नहीं ना काम हो जाता है, उसमें लोग लगते हैं, तो वो लोग को भी रोज़गार मिलता है। ऐसा नहीं होता है कि पूरे सभी लोग को ही सब कुछ मिल जाए। अच्छा, आप पूर्वांचल से आते हैं, पूर्वांचल की राजनीति करते हैं, भाजपा पूर्वांचल में है आप, और बिहार में त्रिसंघ के हैं, तो क्या मिजाज है बिहार के लोगों का, पूर्वांचल के लोगों का? वो तो नरकीय जीवन जीने को मजबूर रहता है, झुग्गी बस्ती में रहते हैं लोग, नरकीय जीवन में जी रहे हैं। जैसे देखिए, स्टेट दिल्ली सरकार हमारे हाथ में नहीं है, बाकी आपके पूर्वांचल के जो लोग हैं, जो बिहार से आए हुए हैं, बिहार से क्यों आए, वहाँ लालू जी का राज था, वहाँ इंडिया गवर्नमेंट के, इंडिया गठबंधन के बड़े नेता का राज था, जिनका परिवारवाद चलता था, उनके राज से तंग हो के दिल्ली आए, दिल्ली आए तो फिर यहाँ 10 सालों से जो सरकार चल रही है, जो 2 बार जीती है, जो भारी बहुमत से, तो जीतने के बाद जनता ने दिया, 1 बार 67 दिया, 1 बार 62 दिया, कुछ कम किया, तो इन्होंने बिजली और पानी फ्री कर दिया, लेकिन पेट की भूख के तो नहीं किया। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर आप जाके देख लीजिए, इसी रानी बाग में कई गो डॉक्टर मिल रहा है, तो ये सब पैसे का प्रचार में जितना करोड़ों रुपया खर्चा किया, तो ये सब चीज़ें हैं, और भ्रष्टाचार में ये सरकार है। गरीबों के बेटे जो है मरे हैं, एक बोतल के बदले एक बोतल देने का काम किया है, तो शराब लाए हैं, ये बच्चों को नहीं पढ़ाए, शिक्षा के नहीं किए हैं, तो ये सब चीज़ें चल रही है। जनता पूरी समझदार हो चुकी है, हमारे और आपके कहने से कुछ नहीं होगा, और आप बहुत अच्छे और सच्चे पत्रकार जनमत की पुकार लेती है, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप निडर होके लोगों की बात जनमानस तक पहुँचाते हैं, और मेरी बात अगर सच होगी तो जनता और हमारे पार्टी। भैया जी, आप लगातार आप जा रहे हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली, जहाँ मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार का मुकाबला हो रहा है, बड़ी दिलचस्प है, आप लगातार वहाँ जा रहे हैं, माहौल क्या लगता है वहाँ पर? देखिए मनोज जी, आज हमारे यहाँ 7 दिल्ली के अंदर लोकसभा है, और मनोज जी को 3री बार लड़ाया जा रहा है, तो मनोज जी के अंदर वो सेवा भाव है, ऐसे 7ों ही हमारे कैंडिडेट ये है, ऐसा नहीं है, क्या कि हमारे पार्टी में कोई निकाला नहीं जाता है, हमारे पार्टी में किसी न किसी काम में लगा दिया जाता है, और वो सब लोग हमारे सम्मानित नेता हैं, जिनको टिकट नहीं मिली वो भी हमारे सम्मानित नेता हैं, लेकिन नए पौध को लगाने का पार्टी हरदम काम करती है। जैसे आज एक वो पौधा रोप दे तो आने वाला जो युवक है, जो आज 18 साल का पार्टी में आया है, वो उसका नेतृत्व अब के लोग कर सकें जो अब जीत के आएंगे सांसद, इस ये पार्टी की सोच रहती है, ये हमारा संगठन है। हमारे संगठन में रानी ये नहीं है कि मैं फलाने नेता का बेटा हूँ तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाऊँगा,
हमारे पार्टी में संगठन के द्वारा बनता है। चाय बेचने वाले का बेटा भी भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी में ही बन सकता है, वो मुलायम सिंह की पार्टी में नहीं बन सकता, वो लालू यादव के पार्टी में नहीं बन सकता, वो ममता बनर्जी के पार्टी में नहीं बन सकता, वो मायावती के पार्टी में नहीं बन सकता, वो स्टालिन के पार्टी में नहीं बन सकता, ये वो कांग्रेस में के पार्टी में नहीं बन सकता, बन सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी में ही बन सकता है। इसीलिए मोदी का परिवार पूरे भारत ही नहीं विश्व तक फैल गया है कि इस पार्टी में रहने पर हमको जो है कभी न कभी हमारा मान सम्मान और सब चीज़ बरकरार है, ये भारतीय जनता पार्टी का सोच है, राष्ट्रवाद हमारा सबसे बड़ा। जी आप बिहार की बातें कर रहे थे कि बिहार से लोग पलायन कर गया, तो पिछली बार वहाँ पे एनडीए का 39 सांसद दिया बिहार ने, उससे पहले भी बढ़िया भर के झोला भर के आप लोगों को दिया सीट वहाँ से, फिर भी वहाँ पे एक फैक्ट्री नहीं लगा, वहाँ रोजगार की कोई बातचीत नहीं होती, और जहाँ 26 सांसद है गुजरात में, वहाँ नए नए इन्वेस्टर आ रहे हैं, नए नए सब कुछ हो रहा है, तो बिहार के साथ सौतेला व्यवहार नहीं हो रहा है। आपको मालूम होना चाहिए आर के जायसवाल जी, अभी कुछ दिन पहले जब हमारी और हमारे साथ नीतीश जी सरकार बनाए थे, और शहनवाज हुसैन बिहार के उद्योग मंत्री थे, और 16 जो है वहाँ नई फैक्ट्री लगी हैं, और वो लगी हैं इथनॉल की, जो मक्का बिहार में पैदा होता है, ये सोच दो फैक्ट्री चालू हो गई हैं, और 16 फैक्ट्री वहाँ चालू माने लग रही है, आप जाके देख लें, समझे ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जब तक सरकार में थी उनके साथ, और जैसे ही वो पलटे तो फिर हमारी योजना 2005 से तो लगातार पलटे, वैसे ही फिर विकास का काम रुक गया था, और अब हमारे साथ फिर से आए हैं, और विकास का काम मोदी जी के नेतृत्व में आगे बहुत अच्छा आपको देखने के लिए आएंगे, और जब आप अगले बार मिलेंगे तो आप हमको कहेंगे भैया जी आपकी बात सच निकली और मोदी जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है, ये आप कहेंगे, चूँकि आप भी बिहार से आते हैं और आप बिहार के बारे में आपका हर जगह संवाद आता है और हर जगह की रिपोर्ट आपको आएगी, और आप हमको ज़रूर बताइएगा। ये बात कर रहे थे हमारे साथ प्रदीप भैया जी। अच्छा भैया जी, गर्मी बहुत प्रचंड है, कैसे लोग वोट डालने जाएं, तो कैसे लोगों को निकाल पाएंगे, लोगों को कैसे निकाल पाएंगे, गर्मी प्रचंड है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, कैसे लोगों को वोटरों को निकालेंगे आप? लोगों का भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति वोट डालने अवश्य जाए, क्या कि सुबह से ही वोट की प्रक्रिया चालू हो जाएगी, मॉर्निंग में लग जाए। वृद्ध आदमी के लिए अलग व्यवस्था है, कोई असहाय है उसके लिए भी अलग व्यवस्था है, और नौजवान जो है लाइन में लग के दे सकते हैं, और फिर उसके बाद 3 बजे से थोड़ा ये होता है तो आदमी, और सब जगह नज़दीक में बूथ है, कोई 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर नहीं जाना है गांव की तरह, तो इसलिए वोट की परसेंटेज दिल्ली में बहुत अच्छी रहेगी। हमारे साथ बात कर रहे थे प्रदीप भैया जी, मिलते हैं किसी और खबरों के साथ, नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ, नमस्कार।